हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद अब उसका इलाज करने वाले डॉक्टर और निजी अस्पतालों का स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। शहर के दो अस्पतालों के दो डॉक्टरों सहित 17 स्टाफ कर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि एम्बुलेंस के ड्राइवर और एक स्वास्थ्य कर्मी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सर, कल शाम तक भी पॉजिटिव आए थे, कितने पॉजिटिव और कितने कहाँ के रहने वाले? जो भी 3 दिन पहले एक पेशेंट की यहाँ पे डेथ हुई थी, पॉजिटिव पेशेंट था वो, उसकी अग्रोहा में जाके डेथ हो गई थी। उसके जब हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया तो पता चला कि वो पिछले 2-3 दिनों में, डेथ होने से 2-3 दिन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर आया था। पिछले 4 हॉस्पिटल्स में जाकर आया है वो। उन सभी हॉस्पिटल के स्टाफ की हमने, डॉक्टर्स की और स्टाफ की, सबकी सैंपल्स वगैरह लिए, जिसमें से एक हॉस्पिटल है उसके लगभग 8 कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं, और एक और हॉस्पिटल है GT रोड पे, उसके डॉक्टर समेत टोटल 9 लोग पॉजिटिव आए हैं, और साथ ही हमारे 2 कर्मचारी, एम्बुलेंस ड्राइवर और EMT भी पॉजिटिव आए हैं। तो कल तक हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 15 लोग पॉजिटिव आए हैं, स्टाफ विद डॉक्टर्स, और 2 हमारे कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं, 17 पॉजिटिव आए हैं कल। अब तक शाम तक के कल कितने पॉजिटिव हो चुके हैं टोटल? अब तक हमारे ज़िले में 171 पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें से 44 अभी एक्टिव हैं और बाकी रिकवर्ड हैं। निजी हॉस्पिटल के जो पॉजिटिव आए हैं सर, कितने लोग पॉजिटिव हैं वो? निजी हॉस्पिटल के, एक हॉस्पिटल के तो अभी तक 8 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, और एक हॉस्पिटल के 9 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। तो सरकारी जो एम्बुलेंस के जो, एक एम्बुलेंस ड्राइवर और एक हमारा EMT भी पॉजिटिव निकले हैं। हरियाणा के फतेहाबाद से किशोर कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।